एक बहुत गहरा सदमा पहुंच गया और मैंने इंजेक्शन दे दिया, जल्दी होश में आए। दीप जी काफी समय हो गया, चलना होगा हमें, गिरफ्तार करो इन्हें। दीप जी मेरे पास बताना वरना इसका घर आ गया। दीप जी गलती मत कीजिए, दीप जी, दीप जी। सबकी यही प्लानिंग है कि हम चारों मिलकर दीप के खिलाफ चीज़ें करें। तो पहला प्लान तो सक्सेसफुल हुआ है कि विराट के साथ जो कुछ भी होता है वो सारी ब्लेम उस पर वो दीप के ऊपर डाल देता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये सब होने के बाद आपको क्या लगता है कि दीप शांत बैठेंगे? नहीं, दीप तो डेफिनेटली शांत नहीं बैठेगा, तो कुछ तो करेगा, और क्या करेगा वो आपको देख के पता चलेगा। इसके लिए आप लोग कितना प्रिपेयर है, क्योंकि वो ये सब सह नहीं पाएंगे, जरूर उनका कुछ रहेगा प्लान तो? हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान उसका भी होगा, और हम लोग भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि इतनी आसानी से वो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अब देखते हैं करता क्या है वो। थैंक यू इब्राहिम, और मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। 2019 से मैं ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बट जो चीज़ें हैं, जो ख्वाहिशें हैं और जो काम है जो मैं 2018 में पूरे नहीं कर पाया, वो कोशिश करूँगा कि मैं आगे पूरे कर सकूँ। आपका क्या प्लान? प्लान ऐसा कुछ ऐसा प्लान नहीं है, बस आई थिंक साल हैं जाते जाते हैं, अभी 18 है, 19 है, फिर 20 होगा। जिस हिसाब से ज़िंदगी चल रही है, बस इंशाल्लाह वैसी चलती रहे और बस प्यार रहे ज़िंदगी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू बिलीव दैट 2019 इज अ न्यू बिगनिंग? हर दिन एक नई बिगनिंग है, सिर्फ साल नहीं है। आई थिंक जब आप एक रात को सो के सुबह उठते हो तो आई थिंक वही आपके लिए एक नई बिगनिंग है कि आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है सुबह। तो हर दिन एक नई शुरुआत है, तो सालों से साल से